खबरों के बीच इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, ये खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से है, जहां पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, फरार आरोपी ने कुल्हाड़ी से अपने करीबी रिश्तेदार की हत्या की थी, जिसके बाद आज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये बड़ी खबर हमीरपुर से है, जहां पुलिस ने हत्या के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, आरोपी ने अपने करीबी रिश्तेदार की कुल्हाड़ी से हत्या की थी, जिसके बाद से आरोपी फरार चल रहा था और फरार आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। इस वक्त की बड़ी खबर ये हमीरपुर से है, जहां पर 25,000 का इनामिया गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने कुल्हाड़ी से अपने करीबी रिश्तेदार की हत्या की थी और आरोपी के कब्जे से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। और आपको बता दें, ये पूरी जानकारी अपर पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। और आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पूरे मामले का ये खुलासा किया गया है। ये पूरा मामला जलालपुर थाना क्षेत्र के बिलगांव का बताया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी इस मामले पर निकलकर सामने आई है, आइए आपको भी सुनाते हैं। का नाम राजेंद्र राजपूत है और उम्र इसकी करीब जो है 24 वर्ष है, और बिलगांव गांव पड़ता है थाना जलालपुर में। इसे इसमें गिरफ्तार किया गया और ये हत्या के जो है अभियोग में वांछित चल रहा था, और इसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। इसे पुरानी मोड़ पर जो हमारे थाना अध्यक्ष जलालपुर हैं संजय सिंह, उनकी और उनकी टीम ने इनको जो है गिरफ्तार किया है। नवंबर 2011 में हत्या हुई थी कमलेश कुमारी जी के पति की, उसमें 4 लोग जो हैं इस घटना में शामिल थे, जिसमें 3 लोगों की जो है गिरफ्तारी की जा चुकी थी, जिसमें एक महिला भी थी जिसका नाम बबली था। ये अभियुक्त लगातार फरार चल रहा था और इसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। काफ़ी दिनों से टीम इसके पीछे लगी थी। कल इसकी गिरफ्तारी में जो है सफलता मिली, इससे जो है नाजायज तमंचा भी जो है बरामद किया गया है। जो कार्रवाई विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है और इसको रिमांड लेने के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, और इसका रिमांड लेकर के इसको जेल में ले जाएगा।